Hello everyone, how are you? I hope you all are doing good. So welcome to the day 7 of UPSC 2024 answer ranking. चलिए एक हफ्ते के ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं घर चला गया था, एक हफ्ते के ब्रेक के बाद पुनः फिर से हम अपना आंसर राइटिंग की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये यूपीएससी 2024 GS1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और क्वेश्चन है इसमें लैंगिक समानता। देखिए क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से मेरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जबकि डे हमारा 7 है, ठीक है। और इस डे 7 में क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आप लोग अगर मेरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें किस तरह से लगभग हम यहाँ पर GS1 में तीन सब्जेक्ट को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री इसमें आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, और एक इसमें आता है सोसाइटी। तो ये इसके लगभग टॉपिक हम कवर कर लिए हैं, उसको आप देख सकते हैं पुराने वीडियोज़ में, ठीक है। उसको रेगुलर अगर फॉलो करेंगे तो आपको उनके आंसर अच्छे से मिल जाएंगे, अगर आप उनको एक मॉडल आंसर के रूप में प्रयोग करना चाहें तो, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। और जैसे कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सोसाइटी से है, सोसाइटी से है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ और एक बार देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन सोसाइटी से है, तो सोसाइटी का मतलब आप जो सोशोलॉजी अगर थोड़ा आपने समझा होगा, जाना होगा, तो वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको स्पेसिफिक किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या होता है ना कि ये थोड़ा समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ना सचेत होना ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखिए लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण, देर आर थ्री टर्म्स, दैट इज जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी एंड वोमेन एम्पावरमेंट। तो तीन चीज़ों के बारे में हमको बताना है। और पूछता है कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और जो महिला सशक्तिकरण है उनके बीच, पहले तो हमको बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मानी अंतर क्या है। फिर ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा या एनजीओज के द्वारा, तो इसमें कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। यानी लैंगिक समानता, निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए क्यों जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन के आंसर लिखने में हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये होता क्या है और अंतर क्या होता है। मतलब जो हम लैंगिक समानता, निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखेंगे तो हम उसमें एग्जांपल के साथ में लिखेंगे और बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। चलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एक टर्म होती है लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी, और इक्वलिटी से हम यहाँ समझते हैं कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि हम महिला और पुरुषों को समान अधिकार देंगे, समझ रहे हैं। जैसे जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे समानकारी के लिए समान वेतन, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी, तो अगर उसको हम कोट करेंगे तो हमारा आंसर और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें लैंगिक निष्पक्षता की, इंग्लिश में इसको बोलेंगे जेंडर इक्विटी, निष्पक्षता, इसका मतलब ये है कि हमको कहीं कहीं निष्पक्ष हो जाना है महिलाओं के प्रति। मतलब कहने का मतलब ये है कि महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं और उनकी परिस्थितियां हैं, तो उनको देखते हुए उनको किसी किसी काम में थोड़ा छूट प्रदान कर देना, यही कहलाता है लैंगिक निष्पक्षता। जैसे हम लोग समझते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा ना हम क्या करते हैं, रिलीफ दे देते हैं, जैसे छात्रवृत्ति उनको अलग से दे दी जाती है, अलग से उनको स्कूल्स में स्पेशल टीचर्स को हायर कर दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें भी अगर कोई जॉब में महिला है तो उनको अलग से छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। तो ये होता है जेंडर इक्विटी। और एक टर्म इसमें है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, यानी जब हम समानता और निष्पक्षता महिलाओं को दे देंगे उसके बाद हमको महिलाओं को एम्पावर करना है। एम्पावर मीन्स कि अब हमको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उनको जॉब देनी है, उनको काम देना है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इसके लिए हम स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं, ठीक, उनको नौकरियों के अधिक अवसर दे सकते हैं, साथ ही साथ नौकरियों में उनको जो है मतलब उनके अलग से मेरिट बनाकर उनको अधिक अवसर दे सकते हैं ताकि वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देश के विकास में कर सके, साथ ही साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और जो भी उनका सशक्तिकरण के लिए उनके लिए ज़रूरी कार्य कदम है वो हम उठा पाएँ, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का जो है बेसिक आप इसमें लिख सकते हैं, बेसिक सार है। तो चलिए
हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। साथ ही अब मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो तैयारी कर रहा हो तो उसको मॉडल आंसर के रूप में ये चीज़ें वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा सा क्या हो ना कि पॉइंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा मॉडल मिल जाता है कि लिखना कैसे है और क्या लिखना है, थोड़ा सा हो जाता है। तो ये आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उनका आंसर मतलब लिख सकते हैं वो पॉइंट्स, अपने सुझाव और जो भी कमियां हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे। ठीक है, देखिए चैनल को आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, रिक्वेस्ट ही है। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं, लिखते हैं।